राखी बांधने जा रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो पहले तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, रक्षाबंधन तो वैसे चला गया है, बट मैं वीडियो थोड़ा सा लेट पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज हेल्थ भी ठीक नहीं थी थोड़ी सी, और वैसे भी देहरादून में डेंगू इतना चल ही रखा है। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ माई डॉग फैमिली एंड माई यूट्यूब फैमिली। तो मॉर्निंग में हमने फटाफट से इसके साथ रक्षाबंधन मनाया सबसे पहले, और निकल गए हम अपने ससुराल के लिए। तो ये रहे मेरे हस्बैंड जी रक्षाबंधन मनाते हुए अपनी बहनों के साथ। इनकी रियल सिस्टर रहते हैं बैंगलोर में, तो वो आ नहीं पाए थे, और फिर यहाँ हम आ गए थे इनकी चाचियों के घर रक्षाबंधन मनाने। फिर हम जाएंगे मेरे घर, मेरे मायके भाववाला। भाववाला देहरादून में ही है, और बस तो यहाँ पर मनाते हैं रक्षाबंधन, फिर निकलते हैं घर और मिलते हैं मेरे छोटे छोटे भाई बहनों से। ये रही इनकी छोटी वाली बहन अंशु और मेरी सबसे प्यारी ननद। तो यहाँ पे चल रहा है भाभी ननद का रक्षाबंधन। हमेशा हमेशा भाई बहनों का ही होता है ना, तो आज हो गया ननद और भाभी का भी। तो ये रही मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद। और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम आ गए थे आईएसबीटी, क्योंकि मेरा भाई जाने वाला था हॉस्टल, तो उसी दिन थी राखी। और अब हम जा रहे हैं घर। ये रहा हमारा आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। यहाँ से निकलते हुए ना गाइस, हमेशा इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना घर जाते हुए, बहुत प्यारी सी। तो हम जा रहे थे रास्ते में घर, और ये जो हमारे आगे बाइक जा रही थी ना गाइस, इसका लिटरली पीछे वाला टायर पूरा का पूरा पंचर था। और मैं इतनी शॉक थी, कोई कैसे अपनी फैमिली को इतना रिस्क में लेके चल सकता है। ओह माय गॉड, पहले अपनी गाड़ी ठीक कर लीजिए फिर चलिए। तो यहाँ पे ना एक लैंड रोवर गाड़ी थी जिसने ना पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा हुआ था। इतनी प्यारी गाड़ी थी ना गाइस, ये लोग इसे टच कर देख रहे थे। सीरियसली तो थार से भी ना ऊपर ही लग रही थी, बहुत प्यारी गाड़ी थी। थार से तो ये बहुत ही ऊपर है, बट हाँ हमारी रेंज में थार ही आती है। वैसे तो भी थार से भी बहुत नीचे हैं, बट स्टिल कभी हो पाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम स्कूटी की ही राइड कर रहे हैं और जा रहे हैं अपने घर। तो ये आ गया हमारा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। इसी के आगे जो एरिया आता है ना गाइस, वो मेरे लिए बहुत ही सेंसिटिव सा हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट डॉगी था ना टफी, उसे मैंने इसी पुल के नीचे ना दफनाया था। जो ये अभी पुल आएगा, इसी से ऊपर मेरा स्कूल जाता है जहाँ ये SDBIT है, और इस पुल के नीचे मैंने अपने फर्स्ट डॉगी को दफनाया था। तो बस ऐसे ही हो गया था, थोड़ा सा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं हॉस्पिटल से लेके आ रही थी बल्लूपुर से, मार्केट से, और नहीं बचा पाया इसे। तो बस उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हो अच्छा हो। ये ख़तरनाक सा जंगल आता है मांडू वाला का, अभी बीच में एक मंदिर पड़ेगा बाला सुंदरी के बाद पड़ेगा मांडू वाला, देन पड़ेगा भाऊ वाला। तो ये आ चुका है मंदिर। मेरी शादी के टाइम पे ना इसी मंदिर से पूजा करके मेरे हस्बैंड जी लोग घर आए थे मेरे। तो ये आ गया है हमारा मार्केट। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना गाइस ऊपर, अभी तो थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, ये है मसूरी के पहाड़। हमारे घर से मसूरी थोड़ा ही ऊपर है, बट थोड़ा हिली एरिया पड़ता है, और वहीं पड़ता है भद्राज देवता का मंदिर। तो पहुँच गए अपने घर, घर वालों से मिलके वीडियो बनाने का टाइम मिला नहीं, क्योंकि बहुत टाइम बाद आई थी। बहुत सारी बातें, एक्साइटमेंट समझ सकते हैं आप लोग, अगर बहुत टाइम बाद मायके आओ तो क्या होता है घर वालों का हाल। और ये रही मेरी नानी, ये रहा मेरा भाई, और ये रही मेरी बहनें शानू और गद्दू, और ये रहा मेरा प्यारा सा भाई। इसकी ना गाइस मैंने लॉकडाउन में बहुत कुटाई की है, पढ़ाया भी है इसे, खिलाया भी है अपने हाथों से खाना, और एनाबेल की स्टोरीज़, बहुत सारी हॉरर स्टोरीज़ भी सुनाई हैं। बहुत प्यारा है ये, बहुत ज़्यादा।
आप इसके साथ ना एक घंटा बैठ जाओ ना, ये इतनी मेमोरीज क्रिएट करके आपको दे देगा ना गाइस, लिटरली बहुत खतरनाक है। इसकी पोएम्स, इसकी स्टोरी सुनना बहुत मज़ा आता है इसके साथ। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना गाइस, ये थोड़ा सा शर्मीला टाइप भी हो रहा है। अभी देखिए इसके नखरे, और मेरी नानी बैठी है साथ में। मेरी नानी को ना टेंशन हो रही है दूध निकालने की। गाइस आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी नानी की एज है 70। इस उम्र में भी अभी गाय भैंस का पूरा काम करती हैं, घास निकालती हैं, गोबर निकालती हैं। कितनी बार हमने उन गायों को मतलब बेच दिया है, बट वो भाग के ना हमारे घर में ही वापस आ जाती हैं, कोई उन्हें संभाल ही नहीं पाता है। तो बस अब थोड़ा बहुत मामी हेल्प कर लेते हैं तो हो जाता है, बट इतनी उम्र में नहीं करना चाहिए ना, समझता ही नहीं है कोई, यहाँ क्या करें। यहाँ पे छोटा भाई बांध रहा है बड़ी बहन को वॉच, रक्षाबंधन गिफ्ट। आई होप जल्दी से तू बड़ा हो जाए और अपनी मेहनत, अपनी कमाई से हमें रक्षाबंधन पे फिर गिफ्ट दे। जो ये अपनी मेहनत से देगा ना गाइस, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ही एक्सपेंसिव, बहुत प्रीशियस होगा। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ, मेरे ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, ये भगवान से मैं दुआ करती हूँ इनके लिए। तो अभी जा रहे हैं हम अपने मामा के घर, उनका ना पाँव फ्रैक्चर हो गया था तो हम देखने नहीं आ पाए थे पहले, तो आज रक्षाबंधन का मौका भी है, मामा से भी मिल लेंगे। तो ठीक हो गया है उनका, बट स्टिल ये आ गया मेरा भाई छोटू सा, यहाँ पे खेल रहे हैं चेस। पिद्दे पिद्दे से हैं, इन्हें आता नहीं है चेस खेलना, बट लगे पड़े हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, और साइड में बन रहा है हमारा रक्षाबंधन। और ये रहे मेरे मामा बेड में बैठे हुए, अभी तो इनका प्लास्टर निकल चुका है, वैसे रिकवरी मोड पे हैं। यहाँ हो गई हमारी मस्ती स्टार्ट, थोड़ी सी हमने रील्स वगैरह बनाई यहाँ पे, और निकल गए फिर अपने घर के लिए, मतलब मेरी नानी के घर के लिए। वहाँ जाके भी हमने इतनी वीडियोस बनाई नहीं। उसके बाद हमारा रिचुअल रक्षाबंधन का मोमोज, तो मैं और मेरी बहन आ गए मोमोज खाने। ये जो भैया की शॉप पे हम आए हैं ना, फर्स्ट टाइम हमने इसी शॉप पे मोमोज खाए थे, और आज तो भैया नहीं रहे, पर हम हर रक्षाबंधन में उनकी शॉप पे आते हैं मोमोज खाने। तो थैंक यू दाई, आपने हमें मोमोज से इंट्रोड्यूस करवाया देहरादून में। तो बस गाइस, ऐसा था हमारा आज का दिन, निकल गए हम अपने घर के लिए, बैग बैग पैक किया, और लास्ट टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट होता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए और लेके आते रहेंगे, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ़।